बेटमा क्षेत्र के कई इलाकों में मंगलवार को भारी बारिश देखने को मिली। इसके साथ ही पिछले कई दिनों से हो रही गर्मी से मंगलवार को लोगों को कुछ राहत मिली है। इंदौर जिले के कई हिस्सों में जोरदार बारिश हुई, सड़कों पर पानी भर गया तो वहीं नदी नाले बह निकले हैं। कई मार्गों पर आवागमन भी बाधित हो गया है। बेटमा नगर में चुनाव के एक दिन पहले दोपहर को भारी बारिश के बादल छा गए। मंगलवार सुबह से ही कई इलाकों में भारी बारिश हुई और धूप बादलों में भीज गई। आखिर 3-4 घंटे तक बने ये जोरदार बारिश के मौसम के कारण कुछ ही देर में सड़कों पर पानी भर गया तो वहीं बेटमा से पीथमपुर को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग पर आने वाली रपट पर पानी आने से आवागमन बाधित हो गया, जिसमें कई लोगों को 10 किलोमीटर दूर घूमकर जाना पड़ा। इंदौर नगर में भी गरज और बिजली के साथ भारी बारिश हुई है। सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक शहर में 4.5 इंच बारिश दर्ज की गई है। भारी बारिश के कारण विजिबिलिटी कम हो गई और जिससे ड्राइवरों को लाइट जलानी पड़ी। इंदौर बेटमा से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।